हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप अपने वेबसाइट पे एक लाइव विजिट काउंटर कैसे लगा सकते हैं। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, इस पर 668 टाइम्स विजिट लोगों ने किया है, तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये 669 हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को सीखेंगे, बहुत आसान है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, मैं आ गया हूँ अपने VS Code के अंदर। मैंने यहाँ पे एक बेसिक सी HTML की टेम्पलेट बना ली है, जिसको अगर मैं लाइव सर्वर से खोल के आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पेज वॉज व्यूड 0 टाइम्स। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी API को नहीं लगाया है। तो अब हम लोग अपनी API को लगाएंगे। API को लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है Count API जिसका नाम है। आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉपी पेस्ट करना है और आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से क्रिएट ढूंढ लेता हूँ। ये रहा क्रिएट, एंड आपको जो सेकंड नंबर वाली है इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे ले आना है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यस, एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम स्पेस पे आप कोई भी नेम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लैपटॉप। आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम डाल सकते हैं। एंड आपको की सेट करनी है, तो उसके बाद आपको लिखना है की इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप कोई भी की डाल दें, जैसे कि मैं यहाँ पे की डाल रहा हूँ माउस। आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड वैल्यू में आपको वो डिजिट सेलेक्ट करना है जिससे आप चाहते हैं कि आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो। तो मैं चाहता हूँ मेरी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो। अगर आप चाहते हैं 100 से स्टार्ट हो तो आप 100 डाल सकते हैं, एंड देन आपको एंटर हिट कर देना है। तो ये देखिए, नेम स्पेस लैपटॉप की माउस एंड वैल्यू 0। ओके, अब आपको चाहते हैं अगर आपकी रिफ्रेश होने पे वैल्यू चेंज हो, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, उसके लिए हम लोग को यहाँ से क्रिएट को हटाना है। हम लोग को यहाँ पे लिखना है अपडेट लिखना है। हम लोग को नेम स्पेस को हटाना है, एंड हम लोग को अपने की को भी हटाना है, यहाँ से हटाना है एंड अपनी इस वैल्यू को भी हटा देना है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्लैश डालेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे एंड लिखेंगे अमाउंट। यहाँ पे आपको वो अमाउंट लिखना है जो आप चाहते हैं जितनी बार में रिफ्रेश की वैल्यू शो करे। तो मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ एंड इसको एंटर करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आ गई वैल्यू 1। इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो वैल्यू 2, इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो वैल्यू 3। अगर आप यहाँ पे -1 डालते हैं तो आप देख सकते हैं वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। पहले 3 थी, अब 2 हुई, अब फिर 1 हुई, फिर 0 हुई, फिर -1 हुई। तो हम लोग को प्लस में ही चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिखेंगे, एंटर करेंगे, 0 हो गए। तो हम लोग को इस लिंक को कंट्रोल सी करना है, कॉपी करना है एंड अपने इस फेच के अंदर सिंगल कोट्स में लिख देना है या पेस्ट कर देना है। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया Ctrl+S, एंड जैसे ही मैं अपने इस डॉक्यूमेंट में जाऊँगा तो देखिए दिस पेज वॉज व्यूड 100 टाइम्स। आप रिफ्रेश करिए 2 टाइम्स, रिफ्रेश करिए 3 टाइम्स, रिफ्रेश करिए 4 टाइम्स। आप जितनी बार रिफ्रेश करेंगे 1-1 करके पड़ेगा। आप अगर यहाँ से भी इसको चेंज करेंगे तो देखिएगा, जैसे यहाँ पे ये 5 टाइम्स आ चुका है, तो जैसे आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे ये 6 टाइम्स हो जाएगा, देखिएगा। एंड ये देखिए, ये 6 टाइम्स हो गया। ये जो APIs होती है, अगर आप इनका ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इन APIs को डिलीट नहीं कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं एक बार बनाने के बाद। आप सिर्फ इसको, ये सिर्फ आपकी एक्सपायर हो सकती है। सो गाइज, आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, इसीलिए मैं आज ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया। अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तब तक के लिए आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।